बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे और सबके रिज़्क में बरकत दे, आमीन। तो मैं आमीन आज बहुत ही मज़ेदार आपके साथ रेसिपी दाल और कद्दू की जो है वो शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल का डाल के इसके अंदर दो बड़े साइज़ की प्याज कट करके डाल दिया है। तो इसको हम यहाँ पर हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल इसका ट्रांसपेरेंट होने तक इनको हमने फ्राई करना है प्याज को। और ये देखिए कद्दू मैंने जो है छील लिए हैं, अब इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। दाल को भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको हल्दी डाल के बॉयल कर लिया। ये देखें दाल बिल्कुल 100% डन है, ये देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, हाँ जी प्याज देखिए हो गया हल्का सा फ्राई। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो लहसुन डाल देना है, और 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने इसके अंदर अदरक डाल देनी है। थोड़ा सालन के अंदर लहसुन अदरक ज़रा ज़्यादा डाला करें, तो सालन जो है वो एक तो मज़े का भी बनता है, सब्जी हो गया दाल। हल्का सा हमने यहाँ इसको फ्राई करना है। लहसुन अदरक की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसको हमने इसके अंदर बेसिक मसाले हैं वही नमक है, हल्दी है, मिर्च है, कूटी हुई लाल मिर्च है, और थोड़ा सा ज़ीरा है। ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के और सब्ज़ी की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। साथ ही ये 2 टमाटर हैं जिनका छिलका उतार के इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया हुआ है, ये डाल देंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले जले ना, और अब इनको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है, यहाँ पे भून लेना है। मसाला अच्छे से भून रहा है हमारा। इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें पकड़ी हैं, और उनको जो है वो स्लाइसिस छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देना है। साथ ही हम इसके अंदर कद्दू ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे कद्दूओं को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है, भूनना है, और फिर उसके अंदर हम डाल देंगे दाल, और दाल के अंदर जो पानी है उसी के अंदर कद्दू और दाल दोनों जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। दाल हमारी पकी हुई है, और कद्दूओं को भी गलने में कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ जी कद्दूओं की हमने कर दी है भुनाई। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और हल्का सा इनको पहले हम गला लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमारा दाल कद्दू जो है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़्यादा सारा धनिया, मैंने काट के रखा हुआ था। धनिया जो है वो कोशिश किया करें डंडियों समेत जो है वो खाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि डंडियाँ के अंदर ज़्यादा गज़ाइत होती है और खुशबू भी होती है। और साथ इसके ऊपर हम डालेंगे सब गर्म मसाला थोड़ा सा, और ये बहुत ही मज़े का लगता है, आप इसको चटनी के साथ खाएँ। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।